आज मैं आपके सामने हफ्तावार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, जो एक इंसानियत के नाते एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तानी हिंदू तारकिन की पुरसरार मौत। आपको पता होगा कि आज से एक महीना पहले 9 अगस्त की वो रात, जिस रात को 11 हिंदू खानदान के लोग राजस्थान सूबे, इंडिया के अंदर राजस्थान सूबा, उसके शहर जोधपुर के गांव में उनको कत्ल किया गया या खुदकुशी हुई, मगर एक महीने के बाद आज तक वो मामला सुलझा नहीं है। जब ये 9 तारीख को मामला हुआ, 10 तारीख को मेरे नोटिस में आया, मैंने उसी टाइम इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि उसी वक्त मीडिया के ऊपर चीज़ें आ गई कि वहाँ पे केमिकल की बदबू आ रही है और फैमिली की तरफ से मर्डर का एक इशारा दिया गया कि इनको मारा गया है। मैंने उसी टाइम फॉरेन ऑफिस को एक्टिव किया, मैंने फॉरेन ऑफिस को कहा कि हिंदू कम्युनिटी के मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, 2012 में यहाँ से गए हैं और एज ए इंटरनेशनल ट्रीटी पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इंडियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक्सेस दे, और पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में एक्टिव हो और इस हवाले से मरणवार हमें बताए कि इन खानदान के लोगों का मर्डर कैसे हुआ, कौन उस लोगों में शामिल है, क्या इसके पीछे वजूहत हैं और आगे जो उनके लोग हैं उनकी कैसी सूरत हाल है। मगर एक महीना गुजरने के बाद पता नहीं चलना। मंडे के दिन फिर मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जब बात हुई तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाया इंडियन एनवाय को, उनसे पूछा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, मगर आज फिर ये 4 वर्किंग डे गुजर चुके हैं। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के बींग ए पैटर्न इन चीफ मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों के खून को रायगा नहीं जाने दूंगा, इनके रिश्तेदार जो यहाँ पे रहते हैं, जो सांगढ़ के डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ सिंध सूबे के अंदर उसके शहर शहदादपुर के साथ उनका गांव है, उनकी बहन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर श्रीमती मुखी, उसने FIR भी कटवा दी है और वो कोर्ट में भी हम लेके जा रहे हैं उसको, और वो बहुत परेशान है और उनके उनका जो शक है वो शक जो है वो अपक में तस्लीम हो रहा है कि कैसे आज एक महीने के बाद भी कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को उसकी मर्डर हो जाए 11 लोगों के और उसके बारे में कोई FIR की कॉपी, कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की कॉपी और कोई पोस्टमार्टम की कॉपी कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं की जाए, जबकि कलभूषण जैसे लोग जो यहाँ पे इन्वॉल्व पाए गए उनको काउंसलर रसाई मिली मगर वहाँ पे काउंसलर रसाई नहीं मिल रही है। ऐसे हिंदू कम्युनिटी के लोग, क्योंकि इस वक्त भारत जो एक सेक्युलर कंट्री था वो उसने अपने आप के इमेज को बहुत चेंज कर दिया है। एक तरफ माइनॉरिटी की कम्युनिटी जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनका तहफ़ वो आपके सामने, दूसरी तरफ पाकिस्तान से ये लोग जो हिंदू कम्युनिटी के भी अगर माइग्रेट हुए हैं उनका क्या हशर है वो भी आपके सामने है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे धर्म में धरती को धरती माँ का दर्जा दिया गया है, मगर जो लोग आर्जी तकलीफ देकर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में भारत या किसी और मुल्क के अंदर अगर असाइलम लेके चले जाते हैं या उधर जाके और किसी एजेंडा के ऊपर जाते हैं, वो कभी भी धरती उसके लिए जगह नहीं बना सकते वहाँ पे, और हर वक्त वो पाकिस्तान को याद करते हैं। आप देखेंगे 2012 से ये लोग गए, 8 साल तक झोपड़ियों में रहते हैं, क्यों नहीं लोगों को अकोमोडेट किया गया। अगर बात की जाती है सिटीजन एक्ट की, मेरा तल्लुक नहीं है सिटीजन एक्ट से कि किसको ये सिटीजन एक्ट में, ये भारत का अंदरूनी मामला है कि किसको ये दे रहे हैं जगह या किसको नहीं दे रहे हैं, मगर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड इलाका है उसके अंदर जो हालात पैदा किए गए हैं वो भी हमारे सामने हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे हमने 5 वर्किंग डे दिए हैं,
मंडे के दिन दोबारा हम फॉरेन मिनिस्ट्री से ताल्लुक बात करेंगे। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम हक रखते हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कि हम इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मैंने आज इस वजह से इस जगह को सिलेक्ट किया कि ये असेंबली, ये सुप्रीम कोर्ट, ये आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, इसी रोड के ऊपर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अगर मंडे तक हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला तो फिर हम हक रखते हैं कि यहाँ पे आके धरना लगाएं, प्रोटेस्ट करें। ऐसे 11 लोगों, हिंदू कम्युनिटी के लोगों का खून मैं कम से कम रायगान नहीं जाने दूंगा। बींग ए पैटर्न इन चीफ, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग चाहे पाकिस्तान में बसते हो चाहे पाकिस्तान से बाहर बसते हो, मगर कम से कम उनका तहफ़ उनके राइट्स, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जहाँ का पासपोर्ट होल्डर है उन लोगों को एक्सेस दी जाती है, मगर आज मंडे से 4 दिन गुजर गए हैं मगर आज तक कोई एक्सेस नहीं दी गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आज फिर अपनी कम्युनिटी से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जो लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर रहते हैं वहाँ पर ऐसे अशर देखे देखे कि क्यों उन 11 लोगों को मर्डर किया गया, क्या उसके पीछे वजह थी, क्या उनकी किसी एजेंडा के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। जैसे माजी में ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनको जासूसी के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान के ख़ानदान को तबाह करना पड़ा। तो जो शक इसकी बहन ने, श्रीमती मुखी ने जो बताया, अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, हमारे साथ सारी शेयर चीज़ें नहीं की गई, तो मैं समझता हूँ ये शक हमारा यकीन में तो जो वो चेंज हो जाएगा। और हमें, हम हक रखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव रोड के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उजागर करें और अपनी हिंदू कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है उसको भी बताएं कि खुदारा अपनी धरती जो माँ का दर्जा रखती है, कम से कम धरती से गद्दारी नहीं करें, धरती को छोड़ नहीं जाएं। जैसे कहा जाता है कि और किसी धर्म जाने से पहले अपने धर्म के ऊपर चलो, ऐसे ही ये है कि अपनी धरती जो है वो कम से कम वो धरती जिसको माँ का दर्जा हर किताब, मजहबी किताब में दिया गया है, अपनी धरती से वफादार करो और यहाँ पे रहो। इस वक्त बहुत तकलीफ भी है कि और एक तकलीफ भी है और एक ये भी है कि हमारे और लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग जिनको वहाँ पे नेशनलिटी नहीं दी गई है, उनका भी क्या हशर है, किस तरीके से रह रहे हैं। मगर आज भी अगर वो पाकिस्तान आएंगे, मैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से यहाँ पे इनको फैसिलिटेट करूँगा और उनको यहाँ पे वेलकम करूँगा। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं दोबारा पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को और इंडियन गवर्नमेंट को ये दोबारा अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंडे तक हमें अगर मुस्बत जवाब नहीं दिया गया तो हम हक रखते हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर हम अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर लगाएंगे। फिर हमें ये नहीं कहा जाए कि हमने आके यहाँ का माहौल ख़राब किया। आप सबकी मेहरबानी, शुक्रिया।